हमारा भाई संयम पंडो इस टाइम जो है फॉरेन की सैर कर रहा है और जम्मू काफी मिस कर रहा है संयम पंडो को। और संयम पंडो की टीम के एक मेंबर मेरे साथ है, राहुल कतरी। राहुल, कितना मिस किया जा रहा है संयम की? मैं फोटोग्राफ्स देख रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। मेरे को लगता है जम्मू की लोकेशंस को छोड़ के अब वहाँ कहाँ फॉरेन की सैर कर रहा है इस टाइम संयम। आशीष जी, मुझे लगता है ये जो उसको देसी कबीर सिंह का जो थोड़ा सा उस पर फ्लेवर चढ़ गया ना, वो देसी कबीर सिंह को मुझे लगता है हिंदुस्तान में अपनी जो उसकी मोटैलिटी थी, जो सोच थी, जिस तरीके से वो थोड़ी देर बाद बर्फ डाल देता था या इस तरीके से, मुझे लगता है वो चीज़ पूरी करने के लिए फुकेत में इस समय। और ये इसका मैं बता दूं, संयम पंडोह की ये दूसरी ट्रिप है बैंकॉक में, ये पहले भी गया था और दोबारा गया। और कसम से जब टीम की बात आती है, ऐसे तो संयम बोलता है कि मेरी टीम मेरे साथ है, हर जगह हम टीम की तरह वर्क करते हैं, लेकिन जब बैंकॉक जाने की बारी आती है खुद ही भाग जाता है अकेले। अकेले आपको याद होगा उसके जाने से पहले ना मैंने उसको पकड़ लिया था, देसी कबीर जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू जा तो रहा है, मैं सबको बताऊंगा कहाँ जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपने भी देखा एक वीडियो, वहाँ पर एक जो गोरा ड्राइवर था उसको गाड़ी में जो है वीडियो दिखाई जा रही थी कबीर सिंह की, उन्होंने बनाया और वो भी इंजॉय कर रहा था। देखा बिल्कुल। अच्छा लगता है, देखियो एक तो बाहर घूमने भी गए हैं और ऊपर से ऊपर जो हमारा जो डोगरा कल्चर, जो डोगरी कॉमेडी वीडियोस वो बनाता है, और वो फॉरेन में भी जाकर लोगों को समझ आ रही है चाहे नहीं आ रही है, बट स्टिल एंजॉय कर रहे हैं, स्टिल एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो चाहूंगा कि राहुल, पता नहीं अब उसने तो ये चीज सीक्रेट रखी थी, मैंने वीडियो में पूछा था कि कहीं फॉरेन में कोई वीडियो वगैरह या फिर कोई प्रोजेक्ट तो नहीं बनाने जा रहा है जो हम जम्मू में देख सकेंगे। अब वो तो टाइम पे ही पता चलेगा जब वो वापस आएगा। लास्ट टाइम जब आशीषी वो गया था फॉरेन, तो बैंकॉक में गया था, तो उसने कहा था कि मैं शूट करूंगा लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाया। ये उसकी सेकंड ट्रिप है और आई होप कि कुछ ऐसा कंसेप्ट वहाँ पर भी बना के जरूर आएंगे जिसको जम्मू भी आगे कंप्लीट करेंगे। और बहुत जल्द एक मुझे लगता है एक वीडियो देखने को मिलेगी संयम की तरफ से। बिल्कुल, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उसकी वीडियो में देखता हूँ ना, वो अंग्रेजों वाले वो बाल शाल इसने लगाया था, अपनी ऐसे ही बाल करवा के तो नहीं आ जाएगा? नहीं, मुझे भी ये लग रहा है। अब देखो, या बाल अगर लंबे होते तो वो डेड लॉक्स करवा लेता, वो जो आजकल जिस तरह करते हैं, और जैसे साधुओं के तो नेचुरल होते हैं, लंबी लंबी जटाएं होती हैं, मुझे लगता है वो शायद करवा के आए। लेकिन हमारा देसी कबीर सिंह को सीरियसली सैम प्रोडक्शन की पूरी टीम, आई होप कि जम्मू वाले भी इंतजार कर रहे हैं एक नई वीडियो आपको कौन सी आने वाली है। और सबसे बड़ी बात संयम की क्या है कि वो करंट टॉपिक्स पे इंसान अभी सोच रहा होता है और वो बना के रख देता है। पीछे गर्मियों की आई, उससे पहले जब इलेक्शन का सीजन चल रहा था इलेक्शन की आई, एक तो डोगरी फ्लेवर में और ऊपर से गवर्नमेंट अंकल बनकर भी। लेकिन एक चीज़ है, गर्मी बड़ी मिस की जा रही है यहाँ पर, जो गर्मी थी और बारिश आ गई है, बारिश आ गई, तो मेरे ख्याल से बारिश बड़ी मिस कर रहा है इस टाइम संयम। संयम सीरियसली बारिश बहुत मिस कर रहा है, और ये बात सच है कि गर्मियों का तो उसने इम्पैक्ट बता दिया, लेकिन कबीर सिंह वीडियो आने के बाद मौसम में बदलाव आ गया, खुले पंखे चल रहे हैं, लेकिन जम्मू की अगर बात करो तो मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, अब वेट है संयम पंडोह जल्दी जल्दी जम्मू वापस आ जाए और हम लोग जम्मू वासियों को एक और वीडियो दिखाएं, और उस वीडियो का स्पेशल इंटरव्यू भी मैं हर बार करता हूं। और जल्द ही संयम पंडोह जैसे और भी कई सारे युवा हैं जो हमारे जम्मू के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं, और आप सभी सपोर्ट करें संयम पंडोह को और जम्मू के जितने भी युवा हैं जो जम्मू को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मेरा भाई राहुल खत्री मेरे साथ है और ये सैम प्रोडक्शन के एक बड़ा अच्छा एक हिस्सा है, और काफ़ी अच्छी वीडियोज इनकी होती हैं, वो भी आप भी देखा करें। राहुल खत्री को भी सपोर्ट करें, देखते रहें यूट्यूब चैनल मेरा। आशीष कोहली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय